ए भैया तानवीर करणकर, लेकिन यहाँ के जहां से छोड़ले बनी वह से हम उठावे जाता नहीं मेरा छोड़ने बनी वही से हम भी राव उठावे जाता नहीं। आप लोगन बस थोड़ा सा शांति बना के रखब, एमे भी निर्गुणी भाव, एमे भी निर्गुण का भाव झलकी। बताओ जला कि विराह समाज खातिर के दर्पण हो, आईना हो, विराह के लोग सुने वाला, विराह के लोग गावे वाला, उनकर जीवन में बहुत सारा चीज बदलाव आ गई। आई विराह की शुरुआत होके बहुत सुंदर और से कसौटीदार विराह सुने के मिलल हो, अब हर से भी एक बिरहा आई तमाशा। सर झुका के जिए ना पाई, काहे कि पानीदार मरद का पहचान, बिरन का पहचान करावे का जरूरत ना होला, वो खुद ब खुद दिख जाला। भूमिका से संकेत तनी दे उठा के ता कि सुबह हो, हर एक सुबह वो कुरुक्षेत्र के मैदान रणभूमि साफ सुथरा दिखाई देवे का माजरा रहल। वैसे महाभारत के नियम रहल कि जब तक सूर्य उदय रहन तब तक लड़ाई जारी रही, सूर्यास्त हो जाए लड़ाई स्थगित कर दिया जाए फिर अगली सुबह से।
पूज्य हमारे बाबूजी सिधारी यादव जी, स्वर्गीय शिवनाथ यादव जी, डॉक्टर साहब जी की अंत्येष्टि में हम लोग आए हैं। उनके छोटे भाई हैं सिधारी यादव जी। आप बाबूजी के द्वारा ये 100 रुपया देकर के आशीर्वाद दिया गया, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना हो। लेकिन आखिरकार होत का रहल महाभारत में ऐसा कुछ नियम भी रहल, नियम के दायरे में रह के लड़ाई लोग करत रहे। महाभारत छिड़ल का है वही हस्तिनापुर के खातिर। कौरव दल का है कि तोके सुई का नोक भर जगह ना दे। पांडव दल का है कि लेके रहब तो लेके रहब, एकरा खातिर चाहे गर्दन भले कट जाए। लेकिन विराम में एक लाइन कौवाली का टुकड़ा। कैसे तिवारी जी, प्यार हो गई हलो, कोनो लड़का कोनो लड़की में प्यार बा, लड़का अपने प्यार के जाहिर भी करता, कहता कि सुना प्यारे न कैले बानी, कोई के घरे डकैती नहीं डाले गई, चोरी नहीं कैले, लड़किया कलस की ठीक बनी कैले तो, लेकिन लिमिट में लिमिट क्रॉस ना कहे का। हर जब प्यार किया तो कहे, हर जब प्यार किया तो, वो जब प्यार किया तो वीरताई का होला एक दर्शावत है। कैसे हरे मच्छी गईले तूफानवा पानी पे, हो मच्छी गईले तूफानवा पानी पे, पानी पे पानीदार भिड़े आखन के धनुषा बनवा पानी पे। पानीदार खातिर के लोग, पानी खातिर के लोग पानीदार मरद सर भी कटा देवेला, लेकिन सर झुका के ना चली। लेकिन ए भैया विराह कैसे से शुरुआत भई, कैसे भाव आवा Thank you.
जर भीष्म करण गरुड़ पलवान चले एक तरफ पांच पांडव संकृष्ण भगवान चले कभी धरती पर ऐसा ना कोई संग्राम हुआ हस्तिनापुर के रणभूमि में को राम हुआ हजारों फिर उस समर में मारे जाते थे फिर कुरुक्षेत्र में रोजाना लड़ने जाते थे बतिया साफ साफ समझा देते युधिष्ठिर के मनवा में एक बात के शंका हो गई कि जवन ई लसिया हजारों बिछता हर रोज आखिरकार उलसिया होला का यहाँ खून के नदी बह के जाई तो खूनवा होला का आई पूछत कैसे हुआ अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान माधव मुकुंद और नटखट मुरलीधर भगवान कृष्ण से कृष्ण जी से पूछत है कहत वन के का हो प्रभु आखिरकार का मजरा हमें कुछ समझ में ना आवत हो कि हर रोज लड़ाई होला लेकिन हर रोज ही सुबह में साफ हो जाला आखिरकार कैसे पूछत हन कोनी भाव में राम भजन यादव जी पूरा उसरा आप जी के द्वारा ये 100 रुपया दे करके आशीर्वाद दिया गया बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना हो ए भैया विराम में बड़ी मार्के का गीत लगा था ये गीत में साफ साफ निर्गुण का भाव समझ में आ जाए कैसे बाबा पहले का संगीत पहले का लिखवैया पहले का गवैया पहले का चढ़वैया एक ही बतिया के रिपीट करना जरूरी है का कचड़ भैया घोड़ा गाड़ी के हो सही बात कहा घोड़ा गाड़ी का अच्छा है गाड़ी घोड़ा का बतिया एक है भाई ओइसे जौन तू कहला हुए बतिया ए भैया आखिरकार दिखाई ओ समय का गीत जो इस समय भरत व्यास जी गावत रहे ना आज भी गावत रहे लेकिन आजकल है लटका झटका कहां गए एकर कहां मांग बल लेकिन ये सब विराह में आज भी जिंदा बा आज भी ताजा बा आई तिवारी जी अरे यही संजराचे वाला विधाना के अरे यही संजराचे अरे हई विधान बनल बा हो विधान बनल बा हई शरीरिया रउ हई शरीरिया रउ माटी के मकान बनल बा हई शरीरिया रउ माटी के ऐसा रचे वाला विधाना के विधान बनल बा हई शरीरिया चाहे हम हमारा चाहे आपको ई एगो माटी का मकान बनल बा एक दिन इस सबके त्यागे के हुई ई माटी के शरीर इन सवर शरीर माटी में ही मिल जाई लेकिन भाव हका कृष्ण जी से पूछलन तक कृष्ण जी उनके समझावत हुआ युधिष्ठिर जी के कि बाबू जिद ना कर जला ए भैया जिद ना कर जला हमर बात सुनो कहत हूँ का कहतुन अरे पहले हो खेता लड़ाई पहले हो खेता लड़ाई चंग जुझार मीतबा चंग जुझार मीतबा
हरी बतिया पर छितो हरी बतिया पर करब हम विचार में तवा तो हरी बतिया पर पांचवे पांडवन में से कहीं ना सवाल पूछत रहलन युधिष्ठिर जी ए भैया ई दादा के ओर से बड़ी सुंदर अदायगी के साथ ऐसे 500 रुपया देले बड़ा लेकिन हम बोला बे कही सो हम बड़ा ईमानदार आदमी है संजय भैया बहुत बहुत प्रणाम बा लेकिन ए भैया आखिरकार खलन की सुनाई आग जो धधका था भैया एमा मत जाए को कोशिश करा अगर एमा जाइबा तो कुछ भी हो सकेला ऐसे दूरी बना के तनिक देर तक रह कलन कितना देर कलन की रुका सबर करा सबर का फल मीठा होला भाव होगा अरे जंग की रोड भेरी अरे जंग की रोड भेरी अरे चौप बाजी गई तू ज्यादा एकरा में जानकारी मतलब कलन के जानकारी ले अब कहे ना ये हमार मन में शंका और प्रश्न दोनों बन के उठल बा तेकरा के दूर कइल भी ये राउर जिम्मेदारी बा आखिरकार एकरा के कब बताई कैसे बताई भी हमें ना पता बा लेकिन रउआ एकरा के बतावे के पड़ी भाई 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 आराम से बैठी लो डिस्टर्ब मत करी कलन की बतावे के पड़ी कलन एकदम बताई भैया 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 कलन के बतावे के परी कलन के हम बतावे से पीछे कहां हट थई हम बताई लेकिन समय आवे दो लेकिन गीत बदलो था का दिखाई वही समय का गीत था स्वर्गीय रामदेव दद्दा स्वर्गीय बुल्लू दद्दा गौला नगा के चल गई लन तू कब जाइबू तो आर पूछल जरूरी है वो लोग बोल गलो मजा हाँ। हम के तो जाइब जब जाइब लेकिन तो हर पिंडा जरूर पार दे आऊ तो घरे तो सब आऊ हो अब कहां घरे जाए के मोसर रही वो तारा के निशा में होगा कि दिशा में ए भैया ओ समय बहुत जाई कोनो अपने देवर से कहत है कि ये देवर बबुआ हमारे एगो फरमाइश बा तनिक सा होके पूरा कह देता हो और उसे बहुत जाई का फरमाइश देवर कहां टारे जा ताव से पूरा करेलन कहत है का कलास अरे छपरा सहरी दादा के ओर से
दामन यादव पहाड़ी बाबा हलवाई साहब। अच्छा आशीर्वाद देने के लिए बहुत धन्यवाद बता। और ये कुटू खलीफा उसरी गाजीपुर भैया के द्वारा सुंदर पुष्पहार 100 रुपया दल गए। बहुत बहुत प्रणाम बा। दिल्ली में वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर बने। बंदेवी म्यूजिक वर्ल्ड भैया के द्वारा भी बंदेवी म्यूजिक वर्ल्ड के द्वारा भी 100 रुपया सुंदर पुष्पहार दल गए। बहुत बहुत प्रणाम बा। आशीर्वाद की छा बा लेकिन कहना बका गार्जियन जी भोला यादव जी उषरा आप जी के द्वारा ये 200 रुपया देकर के आशीर्वाद दिया गया। बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की कामना हो। लेकिन है भैया गौर करेंगे आखिरकार महाभारत की लड़ाई में लड़े खातिर के आइल के यहाँ बतावे की प्रथा तिवारी जीरो वाला इन बहन का। अरे कहिले तूफानवा दादा कोई जोड़ा देवे बोला महाभारत में कई दुनिया में धरती पर कोई बीरे ना रहल आ यही मकिया के तक हम ढूंढ के रहल। लेकिन बतावल गेल कि जहां मैं तहां मैं नहीं। ए भैया यही बतिया में वो एकदम अपने आप के बहुत बड़ा बलशाली और शक्तिशाली समझत रहलन कि हमरा इसन दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं खे भाई। यही में उलझल हवन इतने में सोचत हवन लेकिन करत का हुआ वहाँ कई में कोई वीर नहीं था लेकिन भई का भव के जागल बल वीर नैया मरले एक लाख मुदलिया बुढ़व परिवार के द्वारा हमारे
गार्जियन जी आप जी के द्वारा ये 100 रुपया देहल के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन ए पंचो दादा भीष्म ताबड़ तोड़ एकदम बांध चलावत हमन, उनकर बांध के कोई जोड़ा लगाए वाला धरती पर वीर पैदा ना ले हमन, यही से मद में छू रहूं हर रोज वीरन गलास गिरत हो, लड़वैया की कमी ना हो ओ समर भूमि में, हर रोज वीरन गलास गिरत है। लेकिन प्रश्न ये उठौले हुवन युधिष्ठिर कि उस उलसिया होला का वो खुनवा होला का आई हमार छोट भाई सहोदर भाई आई है बुलेटवा वाला के वायरल के लिए बड़न, ये हमार भाई आदित्य बाबू बहुत फरियादा म्यूजिक के मलिकार बड़न भैया के ओर से इस सुंदर पुष्पहार के साथ ये 200 रुपया देकर के आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वालों प्यार दुलार हर चैनल के दहिला उसे भोजपुरी अदा म्यूजिक के भी देह कुल्ली बहुरी चोखा वाले आदर्श बाजार आप गार्जियन के द्वारा ही 21 रुपए देके आशीर्वाद दिया गया बहुत बहुत प्रणाम। देखा ये हौसला ओके के चाहिए एन ऊपर छे हो एक रुपया लेके अइलन लेकिन अइलन ना कितना लोग तो ई बगलिए में लेके सोचत होई कि गर्मी से भले ना उसा ना जाओ ही में देही कि ना देही यो समस्या हो जात है। लेकिन हे बाबू बार बार पूछत हवन लेकिन दादा भीष्म लड़त हवन ई बतिया देखल लागल केकरा से अर्जुन से, अर्जुन जी से देखल लागल जाके कृष्ण भगवान से कलन की मारे बड़का वीर बनत हुआ आई देखत हुआ बड़ू आल हुन जहिया से तहिया से तनी बान बेधत हुन उनकर बान के झोड़ा लगाए वाला कोई लगत कि वीर ना बा कलन की काहे अफसोस होत तो के काहे चिंता में पड़ल हुआ हमरे पास उनकर भी उपाय कलन का उपाय है तो जल्दी बतावा कलन की लाज सुना बतावत वकलन की पूर्व जन्म में जो अंबा काशी रहल ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले हो मुन्नी देवी हथाना माता जी के द्वारा ये पहला आशीर्वाद दिया गई 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। इतना जना में एगो औरत आके एगो माई आके इतना आशीर्वाद दे देलस कम बात बा हाँ माई तो हम आई है ठीक कह दड़ा माई ना रही तो तुहरा नियन न लाए कहाँ से आई थी हाँ 100 रुपया दे गई लुंगी वाले बाबा के 100 रुपया दे गई दादा के बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा। कमेंट वैसे नहीं करे के चाहिए कि दूसर कोई ना सुने ए भैया कौन करेंगे बतावला कि जन्म में हुए अंबा काशी शिखंडी का रूप ले ले हो आ शिखंडी का रूप ले ले हो तो कलन की शिखंडी का रूप ले ले तो शिखंडी से का मतलब कलम बहुत मतलब ओ शिखंडी के जाके अपने रथ के सारथी बना के ले आवा कलन हम तो जाते लेकिन कारण बतावा कलन दादा भीष्म ओ जन्म में अंबा काशी से बेपनाह प्यार करत रलन उनकरे प्यार के ठुकरा देलन दादा भीष्म तनी ताली हो जाए बच्ची खातिर के वाह क्या बात है ये छोटी गुड़िया प्राची ये गुड़िया की ओर से प्राची बाबू के ओर से सम्मान आई सुंदर पुष्पहार के साथ ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा शुभ आशीर्वाद बा। संतोष कुशवाहा जी बिल्डिंग मटेरियल आदर्श बाजार आप जी के द्वारा 100 रुपया दिया गया बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन बाबू हो खलन की शिखंडी कैसे लिया बा कि पूर्व जन्म का हुए अंबा काशी शिखंडी हो आ वो समय बदला लेने के प्रण कही रहे कि दादा भीष्म तो से ही बेइज्जती के बदला लेके रहो आई बदला के आग में जलत हल लेके आई बना तोरे रथवा पर देखी है ना तो का करिए जानत हुआ इनकर एगो प्रतिज्ञा हो किन करे सामने कोनो नारी या कोनो हिजवा आ जाई है त
तो दादा भीष्म बाण ना चले हैं। ये इनकर प्रतिज्ञा और ये अपने प्रतिज्ञा से अटल बड़न कैलन का गीत बदल थो अबा बड़ी पुरान दर्ज हो कौन मेहरारू कई ख्वाहिश बा दिली इच्छा बा का लेकिन ऐसे बढ़िया भाव कभी जी दर्शावत मकलन की अर्जुन तू देरी मत करा जाके लेके आओ जब शिखंडी के जाके लेके आवत हो दादा भीष्म के कानो कान खबर मिल गई पता चल गई हो आज जब देख लेलन ए भैया तो करत कावन अर्जुन के ललकारत हो कहत हो कैसे ले ल भैया ले ल ले ल लिट्टी चोखा आदर ए भैया लेकिन कहना भका आ हर गिरगिट चला ले बा हाय गिरगिट चला ले बा हिलावे पहाड़वा हिलावे पहाड़वा हर लड़े आइले हो हमसे पौगा हिजाबा सुरेंद्र भैया महाराजगंज सुरेंद्र भैया आप जी के द्वारा ही सुंदर पुष्पहार के साथ 2 रुपया देकर के आशीर्वाद दे हल्के लिए बहुत बहुत प्रणाम। हाँ ओहर का सब देख रेख रहुए हैं शिवनाथ यादव जी के स्वर्गीय बाबू जी के ना छोटे भाई सिधारी यादव जी ना आप महानुभाव जी के द्वारा ये पुनः 200 रुपया देकर के आशीर्वाद दिया गया बहुत बहुत प्रणाम। बीरेंद्र यादव आप जी के द्वारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद हड्डी अस्पताल भुटैया टाउन आप जी के द्वारा डॉक्टर साहब जी के द्वारा ये सुंदर 500 रुपया देकर के आशीर्वाद दे गई बहुत बहुत प्रणाम बा बतावल जला कि डॉक्टर साहब लोग भगवान के दूसरा रूप होले आई देखे के भी मिलेला बहुत बहुत प्रणाम बा वो भगवान के। लेकिन ए भैया दादा भी सब गलन की का हो अर्जुन अब इतना दिन बिगड़ गई रहा कि आई मऊआ ही जरा के लेके आ गेल हो लड़े खातिर के एक बाप और कहलन का कलम जवा में दम होता जवा में दम होता अरे धनुषाब उठावा कुंती के लाल मए दनवा में आवा कुंती के लाल मए दनवा अरे गीदरसी यार छोड़ के अरे गीदरसी यार छोड़ के कहलन की अर्जुन
तोरे बाजुअन के ताकत खत्म हो गई, अब वो ताकत नहीं खे दिखा ना, तावा उठावा धनुष बाण हो जाए हमारा तोरा बड़का पीर बने लो, आवाज माइस हो जाए ही जड़ा के ले केला। सुना थे कि सिखंडी आया ला, तब तक से मारे ताली मारा आई गिल समनो कलस की काय बढ़ो ओ बूढ़ लोग का थवा कला के का हो बुढ़ाओ मारे बड़ा कब्बे का चिल्ला धुआ ला आ गई जोन करे के तो कला दादा भीषम सोच गए कि मौका का फायदा उठाया गया है अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, कि उनकर प्रतिज्ञा यह न रहल कि कोनो हिजड़ा कोनो नारी आज है तो धनुष बाण ना उठे हैं, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष बाण धरातल पर रख दिलन। आज हम धनुष बाण धरातल पर रख दिलन, अर्जुन जी कृष्ण जी कोरिया देखत हुए, जब देखा तो कृष्ण जी सारा कलन की ए अर्जुन आय अर्जुन बाण चलावा बाबू, कलन की बाण उन्नी हत्था पड़ल हो उन्नी हत्था पर बाण चलावा जला, कलन की अगर गलती से बाण उठा ले लन दादा भी सब तो फिर समझ ला कि अनर्थ हो जाई, तू पार ना पाईबा ऐसे पहले कि तू बाण उठा ला और बाण बेधा, तब तक से अर्जुन इशारा पोलन उठा के धनुष बाण लगलन बेधे इतनी बाण बेधलन, इतनी बाण बेधलन कि दादा भीष्म पितामह तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुवन, तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुवन, बतावल जला कि उनके इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल रहल, इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल रहल कि जब तक उचहियन तब तक जी सकेलन, जब सहियन तबे उमरियन, लेकिन देखल चाहत रहलन कि महाभारत के लड़ाई केकर पक्ष में जाता, तो ये विराह के आखिरी गीत लगल का मजलबा कैसे देखा यहाँ के बड़ा लावली यहाँ, हेलो हम लाल इनका लाल ही ना आवा बात ना होके, बात ना होके, भाई 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 पियर का टी शर्ट वाला भैया बतिया वह कौन लोग ए भैया दादा भी सब तक आया था लेकिन बतियावत के हाँ करण और द्रुपद दोनों भाई आपस में बात करते हुए करण की भैया ये लड़ाई के हमन के अपने बलबूता पर लड़े के हुई, अगर लड़ाई में हमन के हार जाते ही जा तो समझ लो कि बड़ी गलानी बड़ी तोहिनी हुई, कहलन का अरे बोला करण पीर कुरा, अरे बोला करण पीर कुरा पोत से पचनिया रे पनिया कैसे जाई ना तू पनिया कैसे जाई ना कि था ओ हो चवनिया रे पनिया कैसे जाई ना जवानी
प्रियांशु गुप्ता गोरखपुर, आप जी के द्वारा ही 50 रुपए दहल के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। ए भैया, आखिरकार करण या कुरपत इहो दोनों भाई डेढ़ दिन तक लड़लन, आज जब डेढ़ दिन तक लड़लन तेहनो लोगन का काम खत्म हो गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं खे मिलल। युधिष्ठिर बार बार पूछत रहन कि हमरे सवलिया के जवाब या दे दा, कलन की सबर करा, सबर का फल मीठा होला। कलन की इतने बतावा बतावा के है ना कि उलसिया का होला, वो खुनवा का होला, कलन हमें पता है। एक के बात के तू कहत हुआ, लेकिन हम बताई तोरे सवाल के जवाब देव जरूर। यह भाव है का दिहले कुंती सबास जियो ओहो मां टंग का बजाई दिहले कुंती, टंग का बजाई दिहले कुंती, के लाला नवा हो जवाना मार कबले तू खाना वाना। लेकिन भेल का तंदरने दोना चार है आये साबास भैया जियो बाबा हाथू जिया छटकू ओहो तंदरने दोना चार है आये अपन धनुषा पान उठाये हो अपन दिन कहीं ने लड़ाई अंकल मेहू कहीं ने मराई भाई की सदूम बकतले सदूम बकतले ताना वा हो जवाना वा ताना वा ना जिया भैया अमन यादव गाजीपुर भैया के द्वारा 100 रुपए देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। ए पंचो, आखिरकार जौन तू कहते वह बतिया ये लुंगी वाला दादा के द्वारा पुनः 100 रुपया दहल गेल, बहुत बहुत प्रणाम बा। लुंगी समार लो। ए भैया गौर करोगे बाबू हो, केहू पीछे हटे के नाम नहीं खेले। द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु हो इलन, 3.5 दिन तक लड़लन, लेकिन उन्हों का काम खत्म। धृष्टद्युम्न द्रुपद नरेश का सुपुत्र इहो छप 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 गर्दन काटत हमन, कोई कोई से कम नहीं खे, लेकिन होत का भैया तेरी के भाव। तनकी सब बढ़ जाएंगे आवाज समर में सुरमा शेर चल दिया, आए भैया समर में सुरमा शेर चल दिया, तन निकले जर भूमि में योद्धा पीर की भैया। अबे मढ़ा गया है ना, अगर फाट गई ना तो तुहार कुल कटाई का कटवा, अरे पैसा हो रो झोला फाड़ थमा। अच्छा हाँ, पैसा काट लिया।
ऐसे काहे इतना हम गावत ही भी रस तो है कहीं भी ताई चाहते अरे नीचे कहीं करे कदम साफ आ हा अपने घर लिया चल के चेक करवा लाएगा ए का साफ हो फरियावा अरे मोछिया हो आनर हुआ नीचे का कि ऊपर का अरे कपड़ा से नीचे ही ना वो मोछिया आनर के का पता है ए भैया सबर में सुरमा शेर चल दिया आज निकला रणभूमि में योद्धा वीर दिलेर कलम की हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में बच्चे महाभारत में है दोनों भाई बचा है नहीं कोई योद्धा सबर में देख लेंगे दोनों का हम बल वीरताई कलन की हम देख ले लेकिन बिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया अरे बिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया और रण का करिश्मा दिखाना पड़ेगा एक शंका है भारी मेरे दिल के अंदर तुझे मुरली वाले बताना पड़ेगा कलन की शंका एक मिटावे को इस शंका का दवाई कहीं ना मिलेगा ए भैया कलन की दुई भाई और बचल हो दुर्योधन और दुशासन और लड़ाई 16 दिन बीत गई 2 दिन और बचल हो अब तो बता दो कलन की ना मनबा हिच कह जल तरह सुना यह बहपट के भाव लगत है बतावत हो क्या बतावत हो आर कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन आर कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मनमोहन आ लगे बताने धर्मों को बनवारी भारी मनमोहन बतावे लगल कलन की सुना कब्बे का हिच के लिए अल्लाह सुना अरे काल कराल बिकराल रूप धई अरे आती है कयवरतिया हो आ खा जाती है सब के लाश को आके आधी रतिया हो दधई के चरनवा जई हमन पुजारी भारी मनमोहन अरे मंगी हम मंगनवा कही के तू मतारी भारी मनमोहन कलन के देखा बतावत नहीं लेकिन जैसे बतावत थी उसे ध्यान से सुनिया जाके फड़ाई को कम करा भैया इको थोड़ा कम करा कलन की जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में छिप के देखिया सांझे घड़ी में जौनी समय 12 बजी उस समय एक औरत काली कंकाली का रूप धर करके आएगी सारा लाश को खा जाएगी सारा खून को पी जाएगी कलन की अच्छा यो बात है कलन की हाँ यो बात है और सुना जइया त जाके चरनिया में गिर के माफी मांग लिया कह दिया कि माफ कर दा कलन ठीक बा बतौला के अनुसार पहुँचल हुआन आ पहुँच के जाके देखत हुआन तो भैया यहाँ आल्हा में बतावे पड़ता का आरे वो कर अवश्य एक दिन आहई होई हो बिना अभिमानी गुमानी के घमंड शुरू हो कुकर भी क्या होई चालना
जीवन में थीले पूजा परता ए भैया कलन की जौने पेड़ में अहंकार के फल लग जाला ओके एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेला ई पेड़ खाती ना ई हमन इंसान खातिर के भी बा जौने इंसान के घमंड यानी कि मैं हो गई ओके एक ने एक दिन ले डूबी लेकिन धर्म का हमेशा जीत बा कहना बका अरे जाके धर्म राज भीषण रात के समय चरणवा गिरल भरी के हुला हे चंडी देवी तो हे का चाही मांगा नामा पूरा कहर बेटा तोहर मनावा किया हमारा के चाही माई जिंदे स्वर्ग लोटावा मत कही भाई लिहालिया का कुरुक्षेत्र के मैदान में छिप के देखा था वहां घड़ी में जौनी समय 12 बजल काली कंकाली करूं धर करके एक औरत आ रही है देख रहे हैं सारा लाश को खा रही है सारा खून को पी रही है देख करके अवाक हो गए जाके चरनिया में गिर गई लनकलन की देवी खे हो माफ कैदा कली माफी ऐसे ना बर मांगला आखिरकार कली की बर मांगला कलन का बर मांगी कली जल्दी मांगला हमरे पास टाइम ना बा कलन की देवे के हत हमें जिंदे स्वर्ग लोक दे दा मनोज यादव ज्योति सरगम सरगम का बहुत चाय वाला बोल मनोज यादव जी अब माइकवा में बोल दी ज्योति सरगम जी का बहुत अजीज हैं आप मनोज भैया के द्वारा ये ना 100 रुपया दहल के लिए बहुत बहुत प्रणाम बा ए बाबू आखिरकार कली के बर मांगा बर मांगत हो कलन की देवे के तो जिंदे स्वर्ग लोक दे दा हमें कली यो मस्त लेकिन भुला गईलन कि चार भाई और हमरे सथवा में हुन सिर्फ और सिर्फ अपने के जिंदे स्वर्ग लोक मांग लेलन लेकिन बतावल जाला विद्वान लोग कहेलन कि यही धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों देखे के मिलेला जैसन करनी वैसन भरनी लेकिन वो औरत रहल के वही पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी वही द्रौपदी थी जो कि काली कंकाली का रूप धर करके सारा लाश को खा जाती थी सारा खून को पी जाती थी लेकिन बाबू हो महाभारत की लड़ाई पांडव दल जीत गेलन जब पांडव दल के विजय भइल हस्तिनापुर के खातिर लड़ाई छिड़ल लेकिन वही हस्तिनापुर के राजा बनल के फिर परीक्षित राजा जो उनकी हर एक प्राणी हर एक जीव जंतु के भाषा समझे के कोशिश करत रहलन ते ई रहल कहानी लेकिन घमंड ना करे के कहानी के तात्पर्य बतावल जा रहल बा कि घमंड केहू के ना करे के घमंड ये बहुत बुरा चीज है ई के न केहू के पास रहल बा न रही बड़ बड़ विद्वान रावण जैसन बलशाली घमंड में जब मद में छुर हो गेलन तो उनकर भी घमंड टूट के चकना चूर हो गई दुनिया का मालिक सिकंदर बादशाह जब दुनिया छोड़ करके चले अपने प्रजा से संकेत कर दिए थे कि दोनों हाथ जब
मेरी अर्थी उठेगी तो दोनों हाथ बाहर की तरफ कर देना, ताकि दुनिया वालों को संकेत मिले कि ऐसे तो सब कुछ है लेकिन जाते वक्त कुछ साथ नहीं जाता। आखिरी भाव का लाई दा तनी आवाज़ एक और बढ़ जाए। वाह भैया वाह, सही में साबित कर दला कि तू थापा का साढ़ू हुआ। देख लही लोग कद काठियो हो चेहरा मोड़ा सब कुछ थप्पे जैसा नहीं ना होगा। वाह पहलवान हो माने के पड़ी सब कर बाहर अकेले थाम लेत हुआ। देखन में छोट धमाका करत बरिया आई। अरे जाके द्रौपदी के संग में गल गई ले चार भाई। आखिरकार चार भाई हमें गल गिलन युधिष्ठिर अपने के जिंदे स्वर्ग लोक मांग लेलन। कल दला की आदमी मुठी बांध के आवेला जस अप जस लेके जाला। जैसन कर्म रही वैसने गुण गवाई। बढ़िया कर्म करके जेबा लोग बढ़िया गुण गई हैं। कोई के संगे बुरा करके जेबा लोग मोलो के बाद ही इंसान ना ही छोड़ेलन पर यही पे करेलन। कलन सारे मर गए तो बढ़िया भाई। पृथ्वी के बोझा रहल बड़ी बढ़िया वीडियो बनावत रहल मर गल सरवा। छोटा मुन्ना भतीजा हमार कुछ ना बोलो जिंदा आवा। पत्तू छे बरकासी बुल्लू सुखनंदन गुड़गाए रंजीत रवि ना राम दे।